दोस्तों कई बार सवाल पूछते हो आप लोग कि हम सुबह नाश्ते में क्या लें यानी सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा कैसा हो याद रखो सुबह अगर उठ के आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो और जैसे जैसे आपको बताया जाता है योगा प्राणायाम वगैरह आप सही ढंग से करते हो साथ में एक ही प्रेशर तो सुबह दोस्तों बढ़िया और अच्छा ब्रेकफास्ट लेनी चाहिए स्टार्ट कर सकते हो अंकुरित बीज से जो अंकुरित सीड्स होते हैं ये बहुत लाभकारी होता है आज मैं आपको बताऊंगा अंकुरित बीज का सेवन करके चाहे इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा इससे आप अपनी शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो ब्लड प्रेशर को आप कम कर सकते हो स्किन में ऑब्वियसली ग्लो आएगा एसिडिटी गैस्ट्राइटिस वगैरह खत्म होगा कंस्टिपेशन का नामो निशान दोस्तों मिट जाएगा आंख की पावर बढ़ेगी ये सब बहुत सारे फायदे हैं मेरी किताब में यह सब मैं दिया हूँ दोस्तों माय हेल्थ इन माय हैंड इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोस्तों मेरी किताब आपको ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाएगा इसका फायदा भी आप उठाइए क्योंकि यह रेफरल बुक है एक्यूरेसी के साथ कैसे एक्यूप्रेशर दोगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करोगे सारा कुछ बताया गया है तो चलिए वीडियो को आगे लेते हैं और आप इसका डिटेल्स को थोड़ा समझिए अंकुरित बीज में दोस्तों हाई प्रोटीन होता है जो आपको ताकत पहुंचाता है इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे चमत्कारी फायदे भी दोस्तों होते हैं। अंकुरित अनाज का सेवन आपको हार्ट प्रॉब्लम और खून की कमी जैसे अनगिनत गंभीर समस्या से बचाता है साथ में अंकुरित अनाज ऐसा पोषक तत्वों से भरपूर आहार है जो आपको प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड भी देता है जिससे आपको मांसपेशियां मजबूत बनाए रखने में साथ में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है अंकुरित अनाज का सेवन डायबिटीज वालों के लिए भी दोस्तों फायदा बंद है इसका सेवन इंसुलिन स्तर को नियंत्रित करता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था उसके अनुसार स्प्राउट में सल्फोराफेन मौजूद होता है जो डायबिटीज टाइप टू को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होता है इसमें दोस्तों फाइबर की मात्रा बहुत होती है जिससे आप शुगर को कंट्रोल करते हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कैंसर का खतरा भी दोस्तों कम हो जाती है कैंसर पेशेंट के ऊपर दोस्तों कई बार इसका रिसर्च किया गया है खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर वालों पे यह जबरदस्त काम करता है जो रिसर्च में पता चला कि इसमें सल्फोराफिन जो तत्व है वो कैंसर सेल्स को रोकने का काम करता है और हेल्दी हार्ट के लिए भी जरूरी है स्प्राउट्स आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक की तरह काम करता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी होती है अंकुरित अनाजों का सेवन किया जाए तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कम करके हेल्दी हार्ट हमें मिलता है तो दोस्तों इसको रोज़ाना सुबह कम से कम दो ढाई मुट्ठी तो लेनी चाहिए खून की अगर कमी है माता बहनों को आयरन की कमी है तो आप रोजाना दो मुट्ठी कम से कम अंकुरित बीज लेनी चाहिए साबुत अनाज में आयरन के अलावा विटामिन की कई हाई मात्रा दोस्तों पाया जाता है जो माता बहनों को बहुत लाभ देती है आयरन प्रोटीन ऐसा दोस्तों आसानी से मिल जाता है इसमें दोस्तों एंटी गुण पाया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है हमारे आँखों के लिए भी दोस्तों लाभकारी है हमारे दांत के लिए लाभकारी है जिनका भी मसूड़े से खून हमेशा निकलता है वो अंकुरित बीज जरूर लेनी चाहिए बाल जिनका झटता है उनको अंकुरित बीज दोस्तों सुबह सुबह नाश्ते में लेनी चाहिए आप चाहो तो थोड़ा उसमें गुड़ मिला के लोगे तो और आपको डबल लाभ होगा इसके साथ साथ आप एक गिलास अगर दूध उसके दो घंटे के बाद पी लेते हो तो दोस्तों आपको और लाभ होती है यानी आप अगर अंकुरित बीज लिए आठ बजे तो आप दस बजे के आसपास एक गिलास दूध पी सकते हो इसके साथ साथ मैं आपको कह रखूं कि कसरत करना योग करना प्राणायाम करना इसके साथ अगर आप लगातार अभ्यास करते रहोगे तो आपके शरीर को ये कई गुना लाभ एक्स्ट्रा पहुंचाएगा। पानी हर घंटा लें फ्रूट्स जब भी इच्छा होती है एक फ्रूट जरूर आदत करके लें जूस अगर मिल जाती है फ्रेश जूस तो आपको लेनी चाहिए ऐसे करके आप अपने शरीर को दोस्तों हाइड्रेटेड कर सकते हो स्किन में ग्लो रहेगा यूरिन की समस्या भी ठीक होगी साथ में आप एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हो जिन्हें भी एक प्रेशर सीखने की इच्छा है डिजिटली सीखो या सीधे आके सीखो हमें व्हाट्सएप करिए डबल एट टू डबल सिक्स सेवन सिक्स तीन सौ तीन में और हमारी जो शॉर्ट वीडियो जो रील के तरह चलता है फेसबुक में और आपका YouTube में उसे भी देखिए एक मिनट के अंदर बहुत सारी बातें दोस्तों कहा जाता है आशा करता हूं तो बड़ी समस्या है तो ही हमारे पास आइए अदरवाइज किताब पढ़ के माई हेल्थ इन माई हैंड और वीडियो देख के अब अपनी परेशानी को घर बैठ के दूर कर सकते हो दुआओं में याद रखें थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय जै भारत